साहब को प्रधानमंत्री बनने का शौक है, चीफ मिनिस्टर बनने का शौक है, न नेता बनने का शौक है। अरे वो तो आए आपके बीच से, आपके अपने में से नेता पैदा करे, लीडर पैदा करे, तो जाए अपने हक की लड़ाई लड़े। तो आपका हमारा फर्ज बनता है, नहीं बनता है कि उनका साथ हम दें। वरना याद रखो मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, अगर इसी तरह हम बिखरे रहे ये सोच के नहीं हम मजलिस का साथ नहीं देंगे, दूसरे के साथ चले जाएंगे, तो आज तक जो गलती करते आए आगे भी वो गलती होती रहेगी। इस बात पर मुझे गालिब का एक शेर याद आ रहा है, मैं बोलता हुआ चलूंगा। जिंदगी भर यही गलती करते रहे गालिब, जिंदगी भर यही गलती करते रहे गालिब, धूलती चेहरे पे और आईना साफ करते रहे। इस चीज का जवाबदार कोई और नहीं, हम और आप होंगे अगर अब हमने मिस्टेक कर दी तो। इसलिए हमको मुत्तहिद होना पड़ेगा, इतिहाद पैदा करना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा, एक परचम तले आना पड़ेगा, और हमको सबको मिलकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ देना पड़ेगा, उसके प्रत्याशितों को जिताकर हमको ऐवान असेंबली के अंदर भेजना पड़ेगा।